चाकू मारने वाले आरोपी को 6 माह की सजा व जुर्माना। नमस्कार, मैं हूं रोहित बैरागी और आप देख रहे हैं MP7 News, टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 News। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाजापुर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शाजापुर के द्वारा आरोपी बादाम सिंह देवगिरी निवासी स्टेडियम के पास दुपारा रोड शाजापुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में 6 माह के कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में 3 माह के कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ADPO द्वारा शाजापुर ने बताया कि दिनांक 17/5/2017 को करीब शाम 7 बजे फरियादी रमेश जब बंटी सेठ के बगीचे में मजदूरी कर रहा था, उसी समय आरोपी बादाम सिंह आया और फरियादी से बोला जो पैसे उधार दे लिए थे वह वापस दे। फरियादी द्वारा पैसे धीरे धीरे वापस करने की बात कही। इस बात पर से आरोपी द्वारा फरियादी को अश्लील गालियां दी और उसका गिरवान पकड़कर झंझोड़ दिया। फरियादी की लड़की तेजू बचाने आई तो उसे भी गालियां दी एवं चाकू की मारी। उसके दोनों हाथों की कलाइयां कट गई और चोट आई। फरियादी की पत्नी बचाने आई तो उसने भी धक्का मुक्की कर जिससे उसको गिरने से चोट आ गई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर की, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना कोतवाली शाजापुर के द्वारा संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अजय शंकर सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दंडित किया। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 News चैनल।